बड़ी खबर का पौड़ी की खबर है, बारातियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हादसे में 25 से 30 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल में भर्ती हैं, डीजीपी ने कहा। साथ ही बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। भीरोखाल सिमडी के पास हादसा हो गया है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू अभियान कर रही है। तो ये दुखद खबर सामने आई, हादसे में 25 से 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अचानक से बस जो है खाई में गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है और वहां पर टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। कई लोग घायल भी हो चुके हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया, अस्पताल में भर्ती है। डीजीपी ने इसकी जानकारी दी। बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे, क्योंकि ये बस जो थी बारातियों से भरी हुई बस थी। शादी समारोह में ये लोग जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ये दुखद हादसा सामने आया। भीरोखाल सिमडी के पास ये हादसा हो गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और रेस्क्यू अभियान कर रही है। उत्तराखंड के भीरोखाल के सिमडी के पास एक भयंकर हादसा हो गया है। हादसे में एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है। बस में सवार लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए लोग जी जान से लगे हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। उनके मुताबिक बस में 45 लोग सवार थे, हर किसी को बचाने की वो कोशिश का दावा कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह से वहां के लिए रवाना कर दी गई है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। अभी वहां पर कुछ सूचना मिली है कि ग्रामीणों द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और हमारा प्रयास है सभी जो बचाव और राहत के काम हैं जल्दी से वहाँ प्रारंभ हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें, सभी लोग जो है जल्दी उस हादसे से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि बस की कमानी टूटने से ये भयानक हादसा हुआ है, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार बाराती बुरी तरह जख्मी हैं। राहत और बचाव का काम जोरों पर है। आपको बता दें, इस हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।